ईयरबड्स वर्सेस नेक बैंड कौन सा बेटर है? सबसे पहला पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी के मामले में ईयरबड्स बेस्ट हैं, आप जेब में रखो और कहीं भी ले जाओ। ये थोड़े से वायर वाली चीज होती है तो मतलब आपको झमेला सकता है काफी लोगों को और अजीब सा लगता है। चाल के मामले में ईयरबड्स बेटर है नेक बैंड से, ये थोड़ा वायर वाला थोड़ा पुराना सा लगता है जबकि इसमें कोई भी वायर नहीं है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है नेक बैंड से ज्यादा ये ईयरबड्स चार गुना ज्यादा बिकते हैं। वाली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोनों के लिए, तो यहाँ पर नेक बैंड्स के अंदर अच्छी माइक्रोफोन की क्वालिटी मिलती है अगर हम बात करें TWS के कंपैरिजन में। तो पिन और लॉन्ग लास्टिंग कौन से रहेंगे? ईयरबड्स थोड़े से फ्रेजाइल होते हैं, उनकी जो बिल्ड क्वालिटी थी बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं होती, गिरते कई बार खराब हो जाते हैं, एक ईयरबड कई बार चलना बंद हो जाता है, पानी में धुल सकते हैं, पैंट वगैरह में रह गए तो धुल सकते हैं और एक को ढूंढना बहुत मुश्किल है और एक खो जाता मतलब दिक्कत हो जाती है। गले में डालो और सही रहते हैं और ना तो पानी में धुलते ना खोते इतनी जल्दी। लेकिन बता दूं बैटरी का इशू नहीं है अब और नेक बैंड्स के अंदर भी 100 घंटे का बैटरी बैकअप मिलने लगा और ईयरबड्स के अंदर इतना मिलना मुश्किल है भी। तो अगर समझ लो 2000 रुपए के अंदर आप दोनों में से किसी एक को बाय करते हो तो मैं कहूंगा 100% आपको ज्यादा फीचर मिलेंगे नेक बैंड के अंदर, अच्छी साउंड क्वालिटी और अच्छे कोडेक के साथ आपको ये ज्यादा बैटर देखने को मिलेंगे अगर आप कंपेयर करते हो ईयरबड्स से। अगर दोस्तों ऐसी शॉर्ट्स आपको पसंद है तो हां लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हां अगर फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हो।